खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला ने सचिवालय में मॉनसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोजित बैठक में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसलिए सभी जनपद आम जनमानस को जागरूक करे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आपदा संबंधी अलर्ट और सूचनाओं का समय पर प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए सूचना प्रसारण तंत्र को सशक्त किया जाए। अलर्ट मिलते ही तुरंत लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग सतर्क हो जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर डीएमसीसी हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, डीडीएमओ और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है, जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास, इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि आपदा के अंतर्गत जो आपदा मित्र हैं उनके साथ भी हम अच्छी तरह से जुड़े, तो आपदा मित्रों को भी ट्रेनाइज एक स्किल ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों को भी प्रयोग करने के लिए आग्रह किया गया है। जो हमारी नदियों को चैनल करने का काम था वो लगभग सब जगह हो गया है, आपदा मित्र पुस्ते दुस्ते हैं और आपदा कर्मी जो है वो भी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। नोडल अधिकारी सब विभागों के आपदा के अंतर्गत जहां जहां लगाए गए थे वो सब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो रेन बिछेरे हैं और अपने जो कंट्रोल रूम है वो उनकी भी व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हो गई है। जहां जहां आपदाग्रस्त जो पूर्व क्षेत्र थे उनके अंतर्गत पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है।